मनोज इंजीनियरिंग वर्क्स में जी। अच्छा, कब हुई है? ये रात को हुई जी। क्या क्या चोरी हुआ वहाँ से? उसने कॉपर पत्ती, कॉपर पाइप, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, चेक बुक, RC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैग ही गायब कर दिया वो जी। कितने बजे चोरी हुई है ये? अब ये चोरी का हमें पता नहीं, हमें तो सुबह फ़ोन किया था यहाँ से कि जी आपका शटर टूट रहा हुआ है। बीती रात में हुई है ये? हाँ जी। कोई CCTV नहीं लगा हुआ था दुकान? नहीं जी। तो कितने मानते हैं कितने का चोरी हुआ? हमारा करीब 50,000 का नुकसान हुआ होगा जी। 50,000 का नुकसान हुआ जी। ये सुबह 4 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी, तो मेरी जो गाड़ी है SHO मोबाइल होती है वो गश्त में थी, तो उसमें जो इंचार्ज थे उनको सूचना मिली कि ऐसे ऐसे वहाँ पे इस तरह की कोई वारदात हो रही है। उसी टाइम पे जैसे वहाँ पे हमारी PCR पहले पहुँच गई थी, PCR उनके पीछे लगी है, पिकअप में इसको डाल के ले जा रहे थे ATM को निकाल के वो, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण और PCR उनको नज़दीक आते हुए देख के वो ATM को वहीं डालकर और वहाँ से फरार हो गए वो। सर, क्या ATM में से कैश निकाल लिया था या फिर वैसे ही ATM काट लिया? नहीं, ATM बिल्कुल इंटैक्ट है, और इस संबंध में जो बैंक के जो कर्मचारी हैं उनसे हमारा संपर्क चल रहा है, जैसे ही उनसे कोई शिकायत प्राप्त होगी उस संबंध में आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी और इनकी धरपकड़ के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। सर, कोई CCTV आपके हाथ लगा है जिसका आधार कार्ड? CCTV एक्चुअल में तो इसके बगल में एक हॉस्पिटल है लेकिन उसमें ATM नहीं है बाहर, उसके बगल में एक बैंक है जिसमें उसमें लगे हुए हैं कैमरे, तो वहाँ भी अभी जाके वहाँ पे पता किया जाएगा कि वो कैमरे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, अगर होंगे तो उनसे भी रिकॉर्डिंग ली जाएगी।